हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमारा, वो है बिजनेस रिसर्च मैनेजमेंट BRM। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके अंदर जो प्रैक्टिकल टॉपिक है हम आज के वीडियो में वही स्टार्ट करेंगे। और ऐसा प्रैक्टिकल टॉपिक लेने वाले जो एग्जाम में एक क्वेश्चन 7 मार्क का आज के इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा ही। हम लोग लेने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर, गुजराती वाले भी जरूर चेकआउट करेंगे। यूनिट नंबर 3 के अंदर जो मेन चैप्टर है यहाँ पर आपका सुधीर प्रकाशन होगा, तो उसमें अलग नंबर पे होगा, आगे पीछे देख लीजिएगा। तो चैप्टर का नाम है, मैं यहाँ से बता देता हूँ आप लोग को, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। इसका एक क्वेश्चन आपको 7 मार्क में देखने को गारंटेड मिलेगा ही। तो आज के वीडियो में आज हम 7 मार्क फाइनल करने वाले ही है, तो वीडियो प्लीज एंड तक जो दिखेगा। आज हम कौन सा टॉपिक सीखेंगे तो देखिए, आप मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो टॉपिक हम सीखने वाले इस चैप्टर के अंदर वो है मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिल और परसेंटाइल, मध्यक, मध्यस्थ, चतुर्थक, दशांशन, शतांशन। टॉपिक साथ में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा मैं क्वेश्चन आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं प्रैक्टिकल, जिसमें हम सारे टॉपिक को ही आज के इस लेक्चर में सीख लेंगे। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखना रहेगा, और स्टूडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई क्वेरी है और कोई वीडियो चाहते हैं स्टूडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं सम्स कहाँ पर है। देखिए बुक में यहाँ पर मैं सम्स ले रहा हूँ वो यार कुमार प्रकाशन का, आपकी कोई और बुक होगी तो भी चलेगा। आपको सम्स का मेथड सीखना, सबसे मेन फोकस आपको इस बात पर करना। तो यहाँ पे जो सम्स है वो मैं क्वेश्चन में 22 सोल्व करके दिखाने वाला हूँ, साथ में 23 भी आज की वीडियो में सिखाऊंगा। इन दोनों में से एक टाइप का आपका एग्जाम में आना फाइनल है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया क्वार्टाइल्स, मीन, D3, P70, मतलब चतुर्थक, मध्यक, दशांशन, शतांशन, सारे टॉपिक इस सम्स के अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे सम्स ये इस तरह से रैंडम किया हुआ है, पहले क्लास दिया गया वर्ग 0 से 10, फिर लास्ट 80 to 90, और यहाँ पर प्रेगनेंसी आवृत्ति दी गई है। तो यहाँ पर मैं सम्स राइट डाउन कर दिया ऑलरेडी, एक बार मैं जस्ट आवृत्ति इसकी फ्रेक्वेंसी राइट डाउन कर देता हूँ। प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा, आज की वीडियो से ये चैप्टर आपका 80% कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद एक और वीडियो इस चैप्टर का आने वाला है, जिसके अंदर हम लोग सबसे मेन मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना सीखने वाले हैं। या तो इस टाइप का सम्स आएगा, या इसके बाद जो एक वीडियो और आने वाला है मिसिंग वाला, कोई फ्रेक्वेंसी मिसिंग कैसे फाइंड आउट करनी है अगर आंसर दिया गया हो, तो बस दो टाइप में से एक सम्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्स मैंने राइट डाउन कर दिया, आपकी बुक में से चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप समझने के लिए भी यहां से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो भी चीजें फाइंड आउट करनी हो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, टेबल इससे ज्यादा हाईएस्ट बनेगा नहीं, इतना ही होता है, इससे ज्यादा हाईएस्ट टेबल नहीं होना, इसलिए मैंने सम्स ऐसा लिया। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक एक्सआई का टेबल ऐड कीजिए। एक्सआई मतलब क्या होता है, अच्छे से समझाता है गुजराती इंग्लिश दोनों में, मिडल वैल्यू, मध्य मूल्य या मध्य कीमत बोलते हैं, जो क्लास दिया गया ना कि हाँ उसका मिडल वैल्यू फाइंड आउट करना है, मध्य कीमत मतलब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो 0 + 10 कितना हुआ 10, और 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 5। सेम इट इज 10 + 20 कितना हुआ 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15। समझ गए होंगे आप लोग, तो मैं राइट डाउन कर देता हूँ सेम, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस इक्वल है तो वैसे आएगा सीरीज वाइज 35, 45, 55, 65, 75 और 85। ये हमारा होगा एक्सआई, जिसको मिडल वैल्यू मध्य कीमत बोलेंगे। अब देखिए अगला, यहाँ पर हमको मीन मध्य फाइंड आउट करना है, इसके लिए इसको 2 टेबल ऐड कीजिएगा, क्लास का टाइप का है इसके लिए, तो DI और FIDI ये 2 कॉलम आपको ऐड करने रहेंगे मध्य मीन के लिए। दोनों बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है, क्लास चेकआउट कीजिए, सबके बीच का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इक्वल है, तो डायरेक्ट मैं बता दूं मिडल में जो आ रहा है उसके इज इक्वल टू 0 रख लीजिए। मिडल में कौन सा आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मिडल में हमारा क्लास आ रहा है 40 से लेकर 50, तो उसके इज इक्वल टू क्या रख लीजिए, 0 रख लीजिए, ठीक है, जब क्लास इक्वल हो तब। और ऊपर की साइड माइनस में नंबर लिखते जाइए 1, 2, 3, 4, और नीचे की ओर प्लस में 1, 2, 3, 4 लिखते जाइए। बाय चांस आपको मिडिल में डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो कोई भी एक ऊपर नीचे में से किसी को भी सामने 0 रख सकते हो, ऊपर की साइड रखिएगा जिससे माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। अभी FIDI मतलब कुछ नहीं करना, FIDI का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 16, माइनस का 27, माइनस का 34, माइनस का 25, 0 यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 16,
15 और F4। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट जो टेबल ऐड करना है ये हमारा ये चतुर्थक दशाशंख शतासंख मतलब डी और पी के लिए फाइंड आउट करने के लिए बनाना है, सबके लिए एक ही होता है CFI। आज की वीडियो में बहुत बेसिक तरह से समझाने वाला हूं कि फॉर्मूले भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सब में फॉर्मूले एक जैसे यूज होते हैं। CFI का कॉलम ऐड करना, CFI मतलब क्या होता है, संचय आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो हमारा FI है ना इसको यहाँ पर क्रमशः ऐड करना है, प्लस करते हुए जाना है। मतलब पहली वैल्यू 4 है, 4 है उसकी, ऐसे कैसे राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बस उसमें ऐड करते जाइए जो भी हमारा FI आ रहा है। सेकंड कितना 9, तो 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, और 13 में प्लस नेक्स्ट वाला प्लस कीजिए 17। बेसिक जानते हो कि आपने 11 में स्टडी की हुई है, 30 प्लस 25 करेंगे तो 55, 50 प्लस 20 करेंगे 75, 70 प्लस 11 करेंगे 86, 86 प्लस 8 करेंगे 94, 91 प्लस 5 99, और यहाँ पर लास्ट में हो गया 100। जो CFI का लास्ट वैल्यू होता है वही हमारा FI का क्या होता है, टोटल होता है, और FI को हम N बोलते हैं, राइट ना, नंबर अवलोकन, ये हमारा N हो चुका है। अब एक और टोटल करना है बस FIDI का, CFI का टोटल करना होता नहीं है, FIDI का टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्लस की वैल्यू 46 आ रही है, माइनस की वैल्यू ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है 102 आ रहा है, और माइनस में हमको मिल रहा है 56। ठीक है, ये हमारा टेबल हो चुका कंप्लीट, इससे हाईएस्ट टेबल आगे बनाना नहीं है इन सब वैल्यू के अंदर। अब ये हम लोग फाइंड आउट करना शुरू करते हैं जो सम्स में बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, एक बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, सभी फॉर्मूले इसमें आपको समझ में आ जाएगा, और एक और वीडियो अपलोड होगा तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले चतुर्थक, यहाँ क्लियर नहीं लिखा आपको फाइंड आउट कौन सा वाला करना है, आपको यहाँ डिटेल में भी डिस्कशन करने वाला हूँ चतुर्थक होते कितने, क्वार्टाइल होते कितने है। तो देखिए जैसे आप जानते होंगे नॉर्मली आपको पता होगा कि चतुर्थक जो होते हैं हाई टोटल कितने होते हैं 3 होते हैं, जिसको हम सिंबल में Q1, Q2 और Q3 के नाम से हम जानते हैं सिंबल में, इससे ज्यादा होता नहीं है। सबको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बेसिक एक जैसे ही होते हैं, ज्यादा कोई चेंजेस होता नहीं। यहाँ पर क्लास के टाइप का सम्स है, याद रखिए क्लास वर्ग के टाइप का सम्स है। तो स्टार्ट करते मैं तीनों फाइंड आउट करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, तीनों मांगे गए, पर डायरेक्ट आपको अगर Q3 पूछा तो Q3 निकालनेगा, Q1 पूछा तो Q1, Q2 पूछा तो Q2 ही निकालना, पर आज के वीडियो से आपको तीनों समझ में आ जाएगा। देखिए Q1, तो पहले बता दूं आपको फॉर्मूले में N ऑलवेज यूज करना है, उसके अपॉन में आप यहाँ पर फॉर यूज करना है, फॉर क्यों आ रहा है समझिएगा, हर एक में अपॉन में वैल्यू चेंज होती रहेगी, डी के अंदर चेंज होगा, पी के अंदर चेंज होगा, क्यों होगा उसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये चतुर्थक लिखा है, क्वार्टाइल लिखा है, मतलब चौथा हिस्सा, इसलिए अपॉन में क्या आता है फॉर आता है, और यहाँ पर कोष्टक के बाद यहाँ पर जो भी मांगा गया है, वन मांगा गया वन लिखना है, टू मांगा तो टू, थ्री लिखा तो थ्री, सब में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाला, अगर आपने लास्ट तक देखा तो समझ में आ जाएगा। अब ये इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, पहले एन बराबर कितना आया अपने टेबल में ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ, FI का जो टोटल आया कितना आया 100 आया, तो एन इज इक्वल टू 100 अपॉन में फॉर, तो 25 आया, राइट, ये 25 आपका आंसर नहीं है, ये फॉर्मूले में यूज होने वाला है। और 25 को आपको क्या करना है, इस पर से आपको डिसाइड करना है कौन सा क्लास के अंदर आपको वैल्यू फाइंड आउट होने वाली है, Q1 का आंसर जो है वो कौन से क्लास कौन से वर्ग के बीच में आएगा वो आपको पता चल जाता है। तो 25 को आपको कहाँ चेकआउट करने का, CFI में चेकआउट करना है, कहाँ चेकआउट करने का, हमेशा CFI में। 25 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे 4 है, 13 है, और यहाँ 30, तो 30 के अंदर 25 ऐड हो जाता है, ज्यादा आ जाता है, तो ये सामने देखिए कौन सा क्लास आ रहा है, ये वाला 20 से लेकर 30, तो ये वाला क्लास सिलेक्ट कर लिया जाएगा 20 से लेकर 30 वाला, इसी के बीच में Q1 का आंसर होगा, पर क्या होगा वो भी हम फाइंड आउट करने वाले एक फॉर्मूला यूज करके, बस पहले क्लास डिसाइड कर लीजिए, आई होप इतना पता चला होगा। ठीक है, पता चल रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना यार, उसी से मुझे पता चलेगा कि भाई आपको समझ में आया। अब फॉर्मूला जो है हर एक में सेम लगाना है, चाहे Q1, Q2, Q3 हो, P हो, D हो, सब में फॉर्मूला सेम लगाना। मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूं, यहाँ पे आपको ऑलवेज L यूज करना है, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर अपॉन का साइन, यहाँ पर इनटू में आपको ऑलवेज C लगाना है, स्टार्टिंग में L और एंडिंग में C, और अपॉन में ऑलवेज आएगा FI कोई भी टॉपिक हो, और यहाँ माइनस में CFI। ये हमारा फिक्स है हर एक फॉर्मूले के अंदर, चाहे वो चतुर्थक क्वार्टाइल हो, डी हो या पी हो, सब में यही यूज करना है क्लास फाइंड आउट करने के बाद, कुछ चेंजेस नहीं करना, बस यहाँ पर जो वैल्यू कौन सी आएगी जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया ना, यहाँ पर ये वैल्यू, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना यहाँ पर, यहाँ पे जो भी हो यहाँ पर देख लीजिए, मैं वही राइट डाउन कर रहा हूँ, एन अपॉन में फॉर, ये वन में राइट डाउन नहीं कर रहा हूं, बाकी देखिए हर एक के अंदर ये चेंज होगा, बाकी सब सेम टू सेम रहने वाला, और वैल्यू भी सेम ऐसे ही रखना है,
इनकी जो वैल्यू आएगी वैसे हर एक सम्स के अंदर वैल्यू आने वाली। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बट आज की वीडियो से चैप्टर कंप्लीट आ जाएगा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत यूजफुल है। देखिए एल, तो एल की वैल्यू आपको क्लास पे से डिसाइड करनी है, वो भी जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वैल्यू होता है ना वो आपका क्या होता है एल होता है, ठीक है, जिसको अर्ध सीमा बिंदु बोलते हैं, ठीक है 20। तो यहां पर एल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 20, ठीक है समझ गए। प्लस एन अपन फॉर जो आपको वैल्यू फाइंड आउट हुई ना वो 25। अब ध्यान से समझिएगा, सीएफआई मतलब आपको समझ में आता है ये सीएफआई, बट आपको सीएफआई कौन से लेना है आपको समझा दूं, जो क्लास डिसाइड हुआ है ना, जो वाला क्लास डिसाइड हुआ वो वाले का सीएफआई नहीं लेना है, क्योंकि वो इससे बड़ी वैल्यू ही होगी और आंसर माइनस में आता है, इसके लिए वो नहीं लेना, उससे पहले का सीएफआई लेना। ऑलवेज सीएफआई क्या करना, जो क्लास डिसाइड हुआ है उसके पहले का सीएफआई यूज करना रहता है, क्यों, जिससे आंसर हमारा क्या प्लस में आ सके, इसके लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है समझ गए। ये भी एफआई मतलब फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, उसी के सामने की आवृत्ति लेनी है जो हमने क्लास डिसाइड किया, 20 से 30 के बीच के सामने की एफआई कितना है 17 है, तो यहां पर अपॉन में आएगा 17। अभी सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है डिफरेंस, जो कॉमन गैप होता है, जो क्लास डिसाइड हुआ उसी के बीच का देखना है आपको और कहीं नहीं देखना है, तो 20 से 30 के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का डिफरेंस आ रहा है। सभी वैल्यू समझ में आ चुकी है, हर एक के अंदर यही करना है, यही कॉन्सेप्ट ऐसी तरह से वैल्यू फाइंड आउट करके रखना है। अब सॉल्यूशन आप बेसिक जानते हो, थोड़ा मैं स्पीड में राइट डाउन कर देता हूं, 20 यहां पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 डिवाइड में 70 और 10 आप जानते हैं यहां पर हमको मल्टीप्लाई करना चाहिए, 120 डिवाइड में 17, यहां पर 17 का हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे तो 7.06 आएगा और फाइनल आंसर 27.06 हो जाएगा, जो हमारा क्या हो गया Q1 हो गया। ये था पूरा सॉल्यूशन, समझ में आ गया होगा, तो आगे आप देखिए Q2 Q3 कितना स्पीड में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं। सम्स को प्लीज एंड तक देखना है आपको, ऐसा नहीं करना स्किप करना है, क्योंकि ये समझ लिया ना तो आगे पूरा चैप्टर आपको आने वाला है। वापस Q2 तो अगेन आपको n अपॉन 4 करना ही है, फाइंड आउट करना है, सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, अगर 2 है तो बस आगे 2 आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। n बराबर कितना था अपना 100 डिवाइड में 4 यहां पर 2, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा देख लीजिए 50 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये 50 को कहां पे जाके चेकआउट करना रहता है हमको सीएफआई में, क्यों चेकआउट कर रहे हैं, भी कौन सी क्लास के सामने आ रहा है, तो 50 चेकआउट कीजिए कहां आ रहा है 55 के अंदर आ रहा है, कहां आ रहा है 55 के अंदर, और सामने क्लास कौन सा डिसाइड हुआ 30 से लेकर 40 वाला क्लास डिसाइड हुआ, 30 से 40 के बीच इसका आंसर आने वाला है, देखो इसके बीच का ही आएगा, देख लीजिए यहाँ पे आपको समझाता हूँ, देखो 27.06 है, देखो इस 20 से 30 के बीच है कि नहीं, बस पहले पता चल जाता है, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं लोग, कोई चेंजेस नहीं कर रहे, सेम प्रोसेस के थ्रू हमको आंसर फाइंड आउट होने वाला है। अब फॉर्मूला वही राइट डाउन कर देता हूं, जैसा आपको समझा, यहाँ पे एल होने वाला है प्लस यहाँ पे डिवाइडिंग इनटू में सी, अपन में एफ आई आएगा माइनस में सी एफ आएगा, और यहाँ पर जो है वो चेंजेस होता रहता है, बस यहाँ पे जो हमने रखा है ना जो फाइंड आउट किया वैल्यू उसके लिए यहाँ पे जो भी है वो राइट डाउन कर देना है और कुछ नहीं है सम्स के अंदर, ठीक है। अब L मतलब यहाँ फर्स्ट क्लास का जो फर्स्ट वैल्यू वो राइट डाउन करना है 30 प्लस इसका जो वैल्यू हमको डायरेक्ट मिला है 50 राइट डाउन करना है, माइनस सी एफ आई एफ आई और सी का मतलब क्या देखिए, सी एफ आई मतलब उससे पहले की आवृत्ति, सी एफ आई उसके पहले की 55 के पहले कितना था 30 आता है, तो सीएफआई मतलब उसके पहले का लेना है 30, एफआई मतलब एग्जैक्ट उसी की फ्रीक्वेंसी उसी की आवृत्ति लेना है 25 उसी क्लास की, तो यहाँ पर 25, सी मतलब क्या आता है उसके बीच का डिफरेंस जो हमारा 10, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर राइट डाउन कर देता हूं। अब तो आपको इतना समझ में आता ही होगा मेन फोकस मेरा फॉर्मूला कैसे बनता है और यहाँ पर क्या कैलकुलेशन हुआ वो सब समझाना था, ठीक है। तो यहाँ पर 38 आंसर हो जाएगा Q2। एक बात यहाँ ऐड और करना चाहूंगा कि जो Q2 होता है वही हमारा मीडियन होता है, मीडियन मध्य का मध्यस्थ, ठीक है, और वही इज इक्वल टू याद रखिएगा D5 होता है और वही P50 होता है। ये चारों के आंसर क्या होते हैं सेम होता है, इतना माइंड में सेट कर लीजिएगा, चारों के आंसर क्या होते हैं सेम होते हैं, इतना आइडिया आ चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो टॉपिक मांगा था Q3, अब मैं चाहूंगा Q3 का आंसर आप लोग खुद ही फाइंड आउट करें, मैं फाइंड आउट खुद ही करें ऐसा क्यों बोला, क्योंकि दोनों चीज समझ आ चुकी है, इसके लिए कर सकते हो ना यस, तो आंसर राइट डाउन करना कमेंट के अंदर। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो मांगा है उस पर आ जाता हूँ, डी वाला टॉपिक, ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा चतुर्थक क्वार्टियल डी के टॉपिक पर आता, फिर पी के टॉपिक पर, दोनों सेम ही है कुछ चेंजेस नहीं है। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है डी के टॉपिक के अंदर D3 मांगा राइट ना,
D3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा। डी मतलब होता है दशासन, डिसाइल, देखिए इसके अंदर कितने फाइंड आउट करने के पूछा जा सकता है, एक से लेकर नौ तक पूछे जा सकते हैं, एक से लेकर नौ तक कोई भी पूछा जा सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सॉल्यूशन सेम टू सेम करना है। कैसे समझाता हूं, तो सबसे पहले D3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो अपॉन में बस आपको याद रखना है N के अपॉन में यहाँ D है, दशा संघ है, इसलिए इसका 10 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर अपॉन में 10 आएगा, चतुर्थक क्वार्टाइल में 4 आया था, बस इतना डिफरेंस है, और इज इक्वल टू इस टेबल के आउटसाइड जो यहाँ पर 3 है तो आपको 3 लिखना है, 4 है तो 4, 9 है तो 9, जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपको मल्टीप्लाई करना है, ये हर एक में ऐसा ही रहता है, Q3 होता था 3 आता कि नहीं आता, बस वही बात है। तो इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू आपको सम्स में 100 है, आप जानते ही है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 30 आ गया। अब सेम प्रोसेस कर रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, 30 को कहां देखना है आपको, CFI में देखना, 30 एग्जैक्ट हमको यहां मिल गया, दिख रहा है आपको, तो 30 के सामने जो क्लास है 20 से 30 वही वापस ले लिया जाएगा, क्लास डिसाइड हो गया। क्लास डिसाइड होने के बाद हमको बस इसके बीच का आंसर क्या होगा उसके फाइंड आउट करने के लिए एल करके जो सूत्र है हमको वो यूज करना रहता है, इनटू में सी अपॉन में FI माइनस CFI, और यहाँ पे जो पोर्शन है ये जो D3 के लिए यूज किया गया है वो हमको राइट डाउन करना रहता है। अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, L मतलब कितना हुआ 20, इसका वैल्यू कितना फाइंड आउट हुआ 30, CFI जान गए होंगे आप खुद देख के पहचान सकते हो CFI क्या आएगा, जो क्लास मिला है जो वर्ग मिला है उसका CFI नहीं उसके पहले वाला, क्यों माइनस में आंसर ना आवे इसके लिए 30 लिया जाएगा, कितना आएगा 30 इंटू में डिफरेंस तो 10 है, सी FI मतलब उसी के सामने का फ्रेक्वेंसी, FI देखना उसी क्लास के सामने का कितना है 17 है। अब बस इसका फाइनल आंसर आप लाना जानते ही हो, मल्टीप्लाई पहले यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, 17 10 का मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड में 17 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, ये हमारा हो गया D3। इसी तरह D3 क्या कोई भी पूछा हो D9 तक आप फाइंड आउट कर सकते हो। फाइनल टॉपिक पे आ जाता है जो हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर P70 फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है परसेंटाइल, ठीक है, तो परसेंटाइल कैसे, कौन सा नंबर का है 70 नंबर का है, मैं बोलना चाहूंगा परसेंटाइल 1 से लेकर 99 तक पूछा जा सकता है, कोई भी हो सॉल्यूशन अभी जो बता रहा हूं वैसे ही करना है, कैसे करना है देख लीजिए, P70 है तो आपको N के अपॉन में पहले तो डिसाइड करना 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा, P के अंदर परसेंटाइल के अंदर सतासन के अंदर 100 आएगा बस, और यहाँ 70 राइट डाउन कर देना है, 1 से लेकर जो भी वैल्यू है यहाँ राइट डाउन कर देनी होती है, तो यहाँ पर 70 N बराबर 100 अपॉन में 100, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करके 70 ही फाइंड आउट हुआ है। अब इसके बाद क्या फाइंड आउट करना रहता है, वो क्लास फाइंड आउट करना रहता है, तो 70 कहाँ पर आ रहा है चेक कीजिए, 75 के अंदर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा 70, तो उसके सामने का कौन सा क्लास आया 40 से लेकर 50 वाला क्लास डिसाइड हो गया है, क्लास डिसाइड करना जिसको आ गया उसके बाद तो मुझे नहीं लगता फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है। देखिए फॉर्मूला समझ गए होंगे, एल प्लस यहाँ पर अपॉन में सी FI इंटू में सी माइनस में सी FI, जितना मैं अच्छे से लिख पा रहा हूँ उतना आप भी लिख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यू राइट डाउन करनी है ये जो मैंने पोर्शन फाइंड आउट किया वही वाला लिखना होता है। अब बस वैल्यू राइट डाउन कर देता हूँ, एल इज इक्वल टू कितना आएगा 40, इसका जो वैल्यू फाइंड आउट किया हो 70, अब देखिए सी तो आएगा 10, अब FI और CFI, FI और CFI का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, FI मैंने उसके पहले का CFI ले लिया उसके पहले का 55, और FI एग्जैक्ट उसी क्लास के सामने आ रहा 20, तो यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पे कितना आया 55। अब इसका सॉल्यूशन करना आप जानते ही है, क्या आने वाला है 40 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू में 20 और यहाँ पर 10, 40 प्लस 150 डिवाइड में 20, तो 40 प्लस 7.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 47.5। कैलकुलेशन समझ में आ चुका, आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा, ये हो गया हमारा कंप्लीट सम्स, आपने देख लिया होगा चतुर्थक क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करना है, या मीन पूछा गया है एक्चुअली मैं मीन भी फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ सम्स के अंदर ही, फॉर्मूला राइट डाउन कर देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। मीन मतलब होता है मीन मतलब मध्य मतलब होता है एक्स बार, जब यहाँ पर क्लास दिया गया तो यहाँ पर ए आपको यूज करना रहता है, और यहाँ पर जो हमने बनाया टेबल FIDI इंटू में एन इंटू में सी भी आएगा अपॉन में एन इंटू में सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास दिया गया डिफरेंस है इसके लिए। अब इन सब की वैल्यू मैं दिखा देता हूँ, देखिए
यहाँ ए मतलब क्या कि आपने डीआई के अंदर जिसके सामने जीरो रखा है दिख रहा है आपको, उसके सामने का जो एक्सआई होता है, ये मेन चीज इसी के लिए निकाला है, मिडिल वैल्यू मध्य के बाद एक्सआई, वो अलग हो जाता है हमारा यहाँ पर ए की वैल्यू 45 प्लस FIDI, FIDI का कितना आ रहा, माइनस में 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, FIDI बराबर माइनस का 56 और N बराबर तो 100 है, C बराबर 10 है, 10 है आप जानते हैं इसका सॉल्यूशन, माइनस में आएगा समझो 10 से 10 जीरो से जीरो कट कर लीजिए तो भी चलेगा, 10 का डिवाइड करके माइनस में 5.6 आएगा और माइनस करना है क्योंकि माइनस हो गया प्लस है तो प्लस करना है 39.4, ये हमारा हो गया एक्स बार मीन मध्य, ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, कहीं भी डाउट रहता है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करना है। एक और आगे वाला सम्स मैं आपको होमवर्क में ही करने के लिए दे रहा, थोड़ा सॉल्यूशन मैंने करके रखा हुआ, अगला क्वेश्चन जो 23 है मैं बुक में दिखा देता हूँ, मेन चीज क्लास पे फोकस करना है, ये क्लास में 0.5 लेस और इंक्रीज क्यों किया वैसे आप जानते होंगे बेसिक, क्योंकि जब क्लास मैचअप ना हो जैसे कि 50 से 60 मैचअप नहीं हो रहा है, 55 से 56 मैचअप नहीं हो रहा है, जो स्टार्टिंग और एंडिंग मैचअप नहीं हो रहा है इसके लिए 0.5 लेस किया जाता है और यहाँ 0.5 इंक्रीज किया जाता है, बाकी काम सेम टू सेम मैंने करके रखा हुआ है। अब आपको सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये दोनों सॉल्व करके रख देना, नेक्स्ट वीडियो में हम मिसिंग वाला सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें FI मिसिंग हो वो एग्जाम में मोस्ट ऑफ आने के चांसेस होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम वो अपलोड करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्वेरी है तो राइट डाउन जरूर कीजिएगा मुझे, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो से आई होप कि आपको हेल्पफुल रहा होगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।